सो हे गाइस, दिस सवाज एंड वेलकम टू माय चैनल सवाज इट। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे 3 हैकिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप इसका कोई भी गलत यूज करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सो सबसे पहला एप्लीकेशन है बॉम्बिट। तो इसकी मदद से आप 1 मिनट के अंदर में हजारों मैसेज भेज सकते हैं किसी के फोन पे। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपका नंबर शो नहीं होगा, उसके पास जो मैसेज जाएगा उसमें ज़्यादातर OTP होगा, और वो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, वो जो शॉपिंग का साइट सब होता है वहाँ से जाएगा OTP ज़्यादातर। तो विक्टम देख के घबरा सा जाएगा, और एक समय में 1 मिनट में हजारों मैसेज जाएगा किसी भी फ़ोन में, तो जाहिर सी बात है फ़ोन हैंग करेगा। तो किसी के साथ इस तरह का प्रैंक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इसके लिए आपको हमारे वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा इस एप्लीकेशन का, वहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे मोबाइल फ़ोन में सिंपली ओपन कर लेना इंस्टॉल करके। सो मेरे पास 2 फ़ोन है अभी, मैं इस पर मैसेज करने वाला हूँ इस फ़ोन से। सो सिंपली इसे ओपन कर लेना अपने फ़ोन में। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा, ऊपर कंट्री कोड कंट्री सेलेक्ट कर लेना आप। उसके बाद नीचे आपको फ़ोन नंबर पे आपको नंबर डाल देना है, और नंबर डाल दिए, और यहाँ पे काउंट, काउंट में आपको जितना मैसेज भेजना आप उतना भेज सकते हैं। एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 मैसेज भेज सकते हैं। तो हम यहाँ 10 मैसेज भेजते हैं इस फ़ोन पे, 10 मैसेज भेजते हैं कम से कम। और इसे इसका टाइम जो है उसे अप्लाई कर देते हैं 1 सेकेंड, और यहाँ बॉम्बिट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ बॉम्बिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही बॉम्बिट पे क्लिक करते हैं नंबर वेरिफिकेशन हो रहा है, चेकिंग नंबर हो रहा है, उसके बाद यहाँ मैसेज आना स्टार्ट हो गया, यहाँ मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। देखते रहो, गया इस फोन में कुछ ऐड आएगा उसे काट देना आपको सिंपली। दोस्तों इस पे 10 मैसेज, टोटल 10 मैसेज आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें OTP है ज्यादातर। सो देख सकते हैं यहाँ। तो ये है इस एप्लीकेशन की खासियत। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है AnyDesk। सो दोस्तों AnyDesk एक रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप किसी भी फ़ोन का मीन्स किसी फ़ोन का पूरा स्क्रीन आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या देख रहा है, उसका टोटल चीज़, टोटल स्क्रीन आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। एक्चुअल में ये एप्लीकेशन डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा डेवलप किया गया था, इसे दूर बैठकर किसी मोबाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आजकल हैकर इसका गलत यूज़ कर रहे हैं। सो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इसका गलत यूज़ ना करें, अन्यथा आप इसके ज़िम्मेदार हो गए। तो चलते हैं इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। तो सिंपली ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिएगा AnyDesk, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है, और दोनों फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, दोनों फ़ोन में आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन करना है AnyDesk को, दोनों फ़ोन में ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह का आपको अलाउ बटन मांगे, अलाउ कर देना, डोंट शो अगेन पे क्लिक करके ओके कर देना, और इस पे क्लिक कर देना यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ 2 बॉक्स मिलेगा, ऊपर में योर एड्रेस लिखा हुआ, जहाँ आपका 2 4 6 8 11 नंबर, 11 अंकों का कोड लिखा हुआ ID, और नीचे रिमोट ID लिखा हुआ, और इसमें भी सेम होगा। सो हमको ये इस फ़ोन को कंट्रोल करना है, इस फ़ोन के स्क्रीन को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आपको इसका आईडी इसके नीचे वाले बॉक्स में डालना होगा। तो हम डाल लेते हैं आईडी 6 2 7 8 5 2 4 5 1। सो जैसे ही इसमें आईडी डालते हैं इसका आईडी, सो उस आईडी डालने के बाद यहाँ एरो वाले बटन पर क्लिक करना है आपको सिंपली। जैसे एरो वाले पे आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता, अलर्ट दे देता है कि आपके फ़ोन को कोई कंट्रोल करता कर रहा है, आप इसे अलाउ करते तो कीजिए वरना इसे कैंसिल कर दीजिए। सो हमको यहाँ एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट सिंपली एक्सेप्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे एक्सेप्ट क्लिक करते हैं यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देते हैं ना, और आप देख सकते हैं इस फ़ोन में जो भी काम होगा, जो भी स्क्रीन होगा वो इस फ़ोन में दिखेगा आपको।
सो ये फोन आप देख लो और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये देखो इस फोन में जो आप करोगे इस फोन में ये आपको दिखाएगा। गैलरी ओपन करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गैलरी ओपन है ना, गैलरी ओपन है। उसके बाद आपको यहाँ फेसबुक चला कर दिखाते हैं हम आपको। सो जो भी काम ये फोन पे होगा वो उसका पूरा टोटली स्क्रीन आपको फोन पे दिखाएगा। फेसबुक देख सकते हैं, फेसबुक चल रहा है, यहाँ फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। और क्रोम, क्रोम ओपन किए, यहाँ भी क्रोम ओपन किया। सो इस एप्लीकेशन की ये खासियत है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है की लॉगर, की लॉगर। सो असल में इसका यूज ये है कि इससे क्या होता है कि आपको अपने फ़ोन में, आप कभी कभी क्या होता है कि कोई आपका दोस्त हो, साथी हो, वो मांग लेता भाई लाओ थोड़ा क्या बोलते हैं कुछ देखते हैं, देख कर देते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए मोबाइल मांग लेता। अब आपको ये जानने के लिए वो क्या टाइप करता है मोबाइल में, क्या सर्च करता है, ये जानने के लिए ये कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। असल में ये कोई कीबोर्ड हैकिंग कीबोर्ड इसका नाम है, और इस कीबोर्ड के जरिए जो भी लिखा जाएगा, वो की लिखा जाएगा, वो आपके इस अकाउंट में अपलोड होता जाएगा, आपके अकाउंट में अपलोड होता जाएगा। तो इसका नाम है की लॉगर। इसे आप सिंपली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। आपको सिंपली इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं यहाँ पे क्रिएट पिन लिख कर आएगा ऑप्शन, आपको यहाँ एक पिन क्रिएट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पे आपको कम से कम दो परमिशन देना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का परमिशन और कीबोर्ड का परमिशन। ये कीबोर्ड आपको बिल्कुल गूगल का कीबोर्ड जैसा होता है, सेम टू सेम वैसा होगा, लेकिन ये कीबोर्ड नॉर्मल नहीं है, ये हैकिंग कीबोर्ड है। तो इसे इनेबल कर देते हैं, ओपन करके इसका एक्सेसिबिलिटी का आपको इनेबल कर देना, और एक और ऑप्शन होगा उसे भी इनेबल कर देना। आप इनेबल कर देते हैं, उसके बाद आप कहीं भी टाइप करते हैं मैसेज में, व्हाट्सएप में, जो भी चीज़ टाइप करते हैं, सपोज ये मैं टाइप कर लेता कुछ यहाँ पे, जो भी चीज़ टाइप करते हैं आप यहाँ, वो आपके इसमें अपलोड होगा, अपलोड हो जाएगा आपके अकाउंट में। सो दोस्तों ये थे तीन एप्लीकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप किसी के नंबर से किसी को भी फ़ोन कैसे कर सकते हैं। किसी को आप फ़ोन करते तो उसके पास आपका नंबर बिल्कुल ही नहीं शो करेगा, आप जिसका नंबर चाहोगे उसका नंबर शो करेगा।